मैक्सिमम लर्निंग स्कूल में मंगलवार वार्षिक उत्सव के रूप में एक आयोजन का कार्यक्रम किया गया, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन जीबी कॉलेज के प्रिंसिपल और स्कूल के डायरेक्टर संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। बच्चों को एक एक गीत और डांस प्रस्तुत कर दर्शकों के दिल को जीत लिया। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय ने कहा कि देश के भविष्य बच्चे हैं, इन्हें पढ़ने के साथ साथ खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जरूरी है। यह विद्यालय बहुत सुंदर है। वहीं विद्यालय के डायरेक्टर जेपी सिंह ने कहा कि इस विद्यालय को शहर में भी खोला जा सकता था, लेकिन गांव में इसलिए खोला गया है कि यहां के बच्चे भी देश का नाम रोशन करें। जहां तक सरकारी विद्यालय की बात है, विद्यालय तो सुंदर है लेकिन शिक्षक उस तरह से नहीं है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। CNB न्यूज़ के लिए कैमूर से कुंदन चौबे के साथ अभिषेक राज की रिपोर्ट। ये लगभग हमारे बच्चे 20 से 25 दिनों की मेहनत है और डेली 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके इस तरह का खूबसूरत परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और सर, बच्चे और टीचर के बीच में कैसा संबंध रहता है? एकदम फ्रेंडली बिहेवियर है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, शिष्टाचार भी जरूरी है। तो शिष्टाचार के साथ साथ फ्रेंडली बिहेवियर भी रहता है कि बच्चे, अगर फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रहेगा तो इस तरह का परफॉर्मेंस बच्चे नहीं दे पाएंगे। अगर बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे तो लिबरल काम करना पड़ता है। सर, आज छोटे छोटे जो है देखे हैं वो कुछ करके दिखाए हैं जो एक बड़े बच्चे पाते हैं, उनको ये हमारे आज चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहेंगे बच्चे में प्रतिभा छिपी होती है, उस प्रतिभा को निखारने की जरूरत होती है। और वो एक बच्ची का जो परफॉर्मेंस था आपने देखा ही होगा, वो एक बच्ची है लेकिन वो जेम्स है स्कूल की, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, उसके अंदर छुपी प्रतिभा है जिसको हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि डांस के माध्यम से एकेडमिक्स वाइज भी वो अच्छी है तो उसकी पूरी प्रतिभा को निखारने की कोशिश की जाती है। एक बात और पूछना चाहेंगे सर, जो अभी 26 जनवरी के दिन आपकी जो झांकियाँ निकाली गई थी उसमें तरह तरह के जो है कि दृश्य दिखाए गए थे, तो वो यहाँ पूरे कैमूर में उस तरह का चीज़ देखने को नहीं मिला, तो क्या उसके लिए कितने दिन से जो है कि तैयारी? वो भी लंबी तैयारी थी, उसमें खैर वैसे बहुत लंबा समय नहीं लिया था, उसमें 10 से 12 दिन का तैयारी था। एक्चुअली दिमाग में था कि नेशनल हमारा, आपको जैसे पता है कि झांकी देश की सबसे बड़ी झांकी जो दिल्ली राजपथ पे निकाली जाती है और वो देश की क्षमता ताकत दिखाने की कोशिश होती है, बट हमारा इसमें था कि हमारे इस झांकी में देश के जो स्वतंत्रता में या फिर आज़ादी में जिनका योगदान है उसको दिखाने की कोशिश थी, इसलिए हमारी झांकी इतनी अच्छी निकली थी और ये ऐतिहासिक रही है रामगढ़ के लिए। ऐसी झांकी कभी नहीं निकली है और कोशिश रहेगी कि इससे अच्छी झांकी और हम लोग आने वाले समय में 26 जनवरी के दिन रामगढ़ को देंगे। सर, आज यहाँ काफ़ी अभिभावक उपस्थित हैं और पूरे कैमूर में, पूरे बिहार में, पूरे देश में आपकी बातें जाएंगी, तो जो है संदेश क्या देना चाहेंगे एक समाज? यही देश समाज का यही है संदेश हमारा कि बच्चे में हर बच्चा अलग तरह का होता है, हर बच्चा अलग है, उसकी प्रतिभा को समझिए, उसको कोशिश कीजिए कि उसका जो टैलेंट है, उसकी जो अंदर छुपी प्रतिभा है उसको निखारा जाए, चाहे वो एकेडमिक्स हो चाहे जैसे हो। तो बच्चों को जो भी प्रतिभा है उसको बाहर निकालना चाहिए, चाहे किसी फील्ड में। यही है, युग तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे मोबाइल का प्रयोग है, मोबाइल से अच्छा बहुत अच्छा है लेकिन ज़्यादातर नुकसान हो रहा है, इसलिए मैंने अपने घोषणा में भी कहा था कि मोबाइल का प्रयोग चाहे डिजिटली थोड़ा उसको कम करेंगे। डिजिटल यूज अच्छा है बट उसको सावधानी के साथ यूज़ करना है, बस यही। धन्यवाद। शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल के याद में और इसे मतलब ये 1632 से स्टार्ट हुआ था बनाने के लिए और 1628 में ख़त्म हुआ। ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, ये इम्पोर्टेंस है हिस्टोरिकल के लिए और इसमें आर्टिस्ट ज़्यादा यूज था उनका हाथ था उस्ताद आयशा का ज़्यादा। आप समाज में संदेश क्या देना चाहती हैं? कि इसे ये पता चलता है कि ये इतिहास का हम लोग अपने दर्शाए हैं दिखाने के लिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम क्या है? मेरा नाम अमृता गुप्ता है। घर आपका और किस स्कूल में पढ़ती हैं? मेरा घर रामगढ़ है और हम MLS स्कूल में पढ़ते हैं।